बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अदनान इजाज। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमन एरर की जिसे हर किसी को फेस करना पड़ता है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो यूज करने वाले कंप्यूटर, चाहे कोई टेक्निकल हो। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं या उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर एक एरर आ जाता है, पाथ इज टू लॉन्ग, कुछ इस तरह का एरर, और आप वो अपना काम नहीं कर पाते। तो देखते हैं कि एरर क्यों आता है और इसे ख़त्म किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर, विंडोज़ के अंदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी भी पाथ के 260 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। अब जैसे मैं आपके सामने एक ड्राइव में जा रहा हूँ, ये देखें, अब ये कितने ज़्यादा कैरेक्टर्स बन रहे हैं। मैक्सिमम पाथ साइज 260 कैरेक्टर होना चाहिए और आपकी फ़ाइल तभी खुलेगी जब वो 255 कैरेक्टर के बीच में आएगी। इसे कॉपी कर लेते हैं हम। इसे काउंट कर लेते हैं, ये किसी भी साइड से कहीं पे भी कुछ किसी भी टूल से आप काउंट कर सकते हैं। ये देखिए 247, जबकि विंडोज जो है 260 कैरेक्टर को सपोर्ट करती है। अब इसी से आपको इस एरर का पता चल जाएगा। देखिए 247 वो है जबकि ये देखिए एक ही हो गया 248। आपकी जो मैक्सिमम फाइल साइज होना चाहिए, फाइल का करेक्टर जो साइज है वो होना चाहिए 255 तक, उससे ज़्यादा ना हो, नहीं तो आपकी फाइल काम नहीं करेगी। अब ये देखिए 247 और 247 के बाद एक ऐड करें तो 248। इसका थंबनेल भी आपको सही नज़र आ रहा है और ये नज़र नहीं आ रहा। जब इसको मैं खोलूँगा तो यहाँ पर ये डैमेज या करप्ट फाइल की आएगी या और इस टू लॉन्ग लार्ज का आएगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर डिलीट करना चाहता हूँ, अवल तो डायरेक्ट डिलीट की ऑप्शन नहीं आ रही, आप डिलीट के बटन से करें तो वही एरर आ गया। जबकि ये देखें, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया कि तो हमारे पाथ के अंदर जो है ना, इसके अंदर खराबी है। ये देखें कितना ज़्यादा इसमें डिटेल है। अगर मैं इसको शॉर्ट करना शुरू कर दूँ, इसको भी मैं शॉर्ट कर देता हूँ, इसको स्पेसिफिकेशन शिफ्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ये तो वैसे नंबरिंग, इसका कुछ भी शॉर्ट पाथ। ये देखें दूसरी फाइल भी आपके सामने ठीक हो गई और ये ओपन भी हो रही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये अब एरर खुद सॉल्व कर लेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।